शिवसेना द्वारा शहर में लगातार बढ़ते अपराधों और चोरियों के विरोध में ज्ञापन दिया। ज्ञापन के माध्यम से कहा गया कि गुना में लगातार हो रही चोरियों के कारण लोगों में भय का माहौल है। वहीं पुलिस भी अब तक इन पर अंकुश नहीं लगा पाई है। वहीं ज्ञापन के माध्यम से पुलिस अधीक्षक से मांग की गई कि जल्द से जल्द शहर में हो रही चोरियों के आरोपियों को पकड़कर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। चोरियां लगातार गुना जिले में हो रही हैं, जैसे कि अपने टेकरी पर चोरी हुई थी, अभी तक महीने दो महीने हो चुके हैं, महीना भर समथिंग, अभी तक ना वो चोर पकड़े गए हैं। उसके बाद में लेकर बलवंत नगर में भी चार दिन पहले चोरी हो गई, ना उसके चोर कोई पकड़े गए। कस्तूरबा में भी चोरी हुई है, लगातार अपनी भूसपूछी माता मंदिर पर भी चोरी हुई है, लगातार चोरियाँ होती चली जा रही हैं। ना तो प्रशासन क्या कर रहा है क्या नहीं ये समझ में नहीं आ रहा, ना चोर पकड़े गए हैं अभी तक। इसलिए हम आज एसपी महोदय को ज्ञापन देने आए हैं कि साहब ये चोरियां हो रही हैं, किस कारण चोरियां हो रही हैं और ये हमारी हिंदू आस्था पर चोट लग रही है, और शिवसेना की तरफ से हम एक ज्ञापन देने आए हैं श्रीमान के जो चोरियाँ हुई हैं वो चोर पकड़े कब जाएंगे, इस पर इनाम भी और ये घटनाएं कब रुकेंगी, के रुकने का नाम ही नहीं रहे। आए दिन चोरियां, आए दिन गुना जिले में चोरियां होती चली जा रही हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि सख्त कार्रवाई की जाए और चोरों को पकड़ा जाए।